उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग बेस है या कंप्लीशन की बात करें वो कितने हैं, 6 है, तो एप्लीकेशन की बेस क्या है, 5. इन तीनों को अलग 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 परसेंटेज अगर आप 17 में से निकालें तो वो 33, 33 या 34 इसके नजदीक नजदीक आएगी ये परसेंटेज. सिर्फ मैंने बात की है आउट ऑफ 17 MCQs. नॉलेजेस की परसेंटेज, अंडरस्टैंडिंग बेस की परसेंटेज और एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन. अब देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की जो मार्क्स है ये मार्क्स है, ये नॉर्मल मार्क्स हुआ था इसलिए 1-1 भी आ रहा है. लेकिन जब आप आगे देखें तो नॉलेज बेस के मार्क्स कितने होंगे, 22 मार्क्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग 22 और एप्लीकेशन कितने, 60. इसी तरह हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हम पेपर जो ओवरऑल बनाते हैं पेपर बच्चे ने तो 100% का 100 का करना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें तो 116 मार्क्स का टोटल, जो हमारा पेपर हम कहते हैं 85 मार्क्स का जो पेपर है बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री का, स्टूडेंट का क्या है वो 85 मार्क्स का पेपर है, लेकिन ओवरऑल मार्क्स कितने हो, 116. क्यों? थ्री चॉइस है, इसलिए उसने उनको ऐड करके आप देखें फिर आप अब ये लेवल्स की बात करें. अब हमारे बुक के फिजिक्स की बात करूं तो टोटल 10 चैप्टर्स में, फर्स्ट ईयर में अब आप देखें उसमें नॉलेज बेस क्वेश्चंस कितने ले रहे हैं, हर एक में कंप्रेंशन या अंडरस्टैंडिंग बेस कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मार्क्स है सारे के सारे. ये हमारे पास उसकी डिफरेंट एक ग्रेड है. अगेन उसको एक डिफरेंट एंगल से हमने जो हमारे SLOs को ले रहे हैं कि हमारे साथ उसका SLO कौन सा है, लेवल कौन सा है, ये लेवल जो हम ले रहे हैं डिफिकल्टी लेवल भी कह सकते हैं, और इसके अलावा हमारे जो थ्री लेवल्स लेवल 1 नॉलेज, लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग, लेवल 3 एप्लीकेशन. ये है जी पेपर के ओपन वाले को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो आपने क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन में क्या लिखनी है, मॉडल आंसर का क्या होना चाहिए, कितने टोटल मार्क्स कितने, हम पार्ट लेते हैं एबीसी एमसीक्यू उसमें डिफरेंट ले रहे हैं, तो फिर उसके अभी हम कहते हैं कि ठीक है हमारा मॉडल पेपर आंसर क्या होगा, ये आंसर अपने खुद देते हैं, पहले आप खुद करोगे अटेम्प्ट तो फिर आप स्टूडेंट को उसकी तरफ लेके आओगे. अगेन जब हम बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, उसमें अगेन आप देखें कि आंसर All the points, 75% of all the points answered. अब ये फिर देखते हैं हमारे पास डिफरेंट उसके डिफाइनिंग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में. मीन्स जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं या ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हम बात करते हैं ये आज के उसी जगह हैं. उसमें क्या कुछ दिया जा सकता है, कैसे इसको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी, उसके हम एबिलिटी का लेवल क्या होगा, उसकी करेक्टनेस का लेवल क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर. ये काम आप शायद अब कर रहे होंगे जो ऑनलाइन पेपर चेक कर रहे हैं, तुमको पता होगा, बता सकते हैं तुम मार्क्स उसके आपने खुद नहीं डिफाइन किए होते, क्योंकि जब आपने क्या किया पार्शली करेक्ट हो सकता है पार्शली का जो वहां जो मार्क्स हमने उस जो दिए हो वो 1.5 दिए हो, ठीक है, और अगर फुली करेक्ट है तो उसके मार्क्स हो सकते हैं 3 मार्क्स होंगे. इसलिए अब वो खत्म हो गया जो आप मैनुअली पेपर चेक करते थे, और आप जहाँ 1.5 ये कह रहे हैं वहां हो सकते हैं 0.25 दें या 2 मार्क्स दे दें, वो 2 मार्क्स आप नहीं दे सकते, आपसे वो तैयार लेंगे वो डायरेक्ट कम्प्लीटली जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया या लर्निंग बेस्ड हो गया.